नमस्कार दिनर प्रमुख खबर सह प्राइम ओडिशा को स्वागत करुच्छे मु शक्ति साई मिश्र बुलेटिन को आपको नवा किंतु प्रथम देखने कौन रही हेडलाइंस महानदी मा ना सावत मा मा कही सावत मार व्यवहार काहीकि सुखिला नईरे पानी पाई आपोस बुझामणा पाई काहीकि प्रयास करूना राज्य सरकार महानदी तलमुंडे केबे हेबो सात ब्यारेज अण मौसुमी समय चिंतार चाषी सम्मानित गुरुजी असुरक्षित श्रीमंदिर श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प को नहीं शंकराचार्यों बयान को नहीं झड़ शंकराचार्यों मत न नहीं परोक्ष अपमानित करी राज्य सरकार विकास प्रभाव श्रीमंदिर उपरे न पड़ू सेपटे शंकराचार्यों भेटिले पूरी गजपति महाराज राज्य कंग्रेस नुआ बंगवाल शरत पटनायक एआईसीसी पक्षर शरत को गुरुदायित्व कंग्रेस को शक्तिशाली करने शरत आगे एकाधिक चैलेंज पहले समस्त को साथी नहीं जीवु आमर टार्गेट 2024 टोकियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जय जयकार जापान बिजनेस लीडर को प्रधानमंत्री मोदी को भूरी भूरी प्रशंसा मोदी संस्कारमूलक पदक्षेप बदल भारत छवि भारत में पुंजनिवेश जापान शिल्पपति मोदी आह्वान केन्द्र कमाइला राज्य केबे राज्य सरकार भाट ह्रास करंतु बोली जोर धरला दाबी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सारा राज्य उठिला प्रश्न केबे भाट ह्रास करिवे राज्य सरकार व्यक्तिगत आक्रोश चरम परिणति पटनागढ़ पार्सल बोमा एवं बलांगीर हिट एंड रन दुई पुओं को मारिबार षड्यंत्र खुलिला बलांगीर हिट एंड रन गुमर दुर्घटना नुहे हत्या पाई सांघातिक षड्यंत्र टार्गेट थिले जणे गला आउ जणक जीवन कालिया हत्याकांड को नहीं बवाद जाजपुर पुलिस हत्या अभियोग पर भी अभियुक्त को तदंत परिसरभुक्त करूनी पुलिस विधायिका प्रमिला मल्लिक खास अनुगत बोली पाट्यबणा की तदंत बवाद टीम राहुल पियार महानदी महाविवादर समाधान केबे काहेकि महानदी सह सावत मार व्यवहार 2017 रे पंचायत निर्वाचन बेले बीजेडी पाई बड़ा प्रसंग थिबा महानदी एबे ब्रजराजनगर उपनिर्वाचन बेले फुस महानदी प्रसंग नहीं पदुटीए भी कहुनाहांती मंत्री और नेता शीतल भंडार राज्य सरकार का ब्यारेज प्रतिश्रुति एपटे सुखिला पड़ी सुखासुड़ा चिंतार चाषी महानदी मा ना सावत मा मा कही सावत मार व्यवहार काहीकि महानदी महाविवाद रो समाधान केबे आपोसो बुझामणा पाई काहीकि प्रयास करूनाती राज्य सरकार ओडिशा पटे महानदी सुखिला छत्तीसगढ़ पटे लहड़ी मारुछि पानी बड़ नदी को बड़ विपद आशंका करिछंती 15 जिलावासी छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमांत रे दृश्य देखिबा परे चिंतारे चासी ओडिशा सरकार को दूरदर्शिता अभाव रु अण मौसुमी समय रे ओडिशावासी चिंतारे केवल महानदी नुहे एहार शाखा नदी मध्य सुखुछि एथिपई राज्य सरकार को अपारगता को दायी करिछंती अंचलवासी आगो चासबास करी जिमु थुनु खौ थुनु एबे ओ का करमु आज्ञा केन फैक्ट्री केन मिल रे काम करी कुरा गई बंचु छु पानी नै तो चासो नै बले आमे किछि करि न पारबार ओ ओडिसा रे सुखि जाई छी महानदी सुखा सोडा निकट रे नदी रे पानी नाही बड़ नदी एबे पानी शून्य ए हेउछि महानदी रो प्रवेश पथ सुखा सोडा ए सुखिला नदी दिने बिजेडी पई निर्वाचनी प्रसंग थिला सेतबेले थिला
ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଏବେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ, କିନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ଏବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୌଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଗଡ଼ୁଛି ମହାନଦୀ ବିବାଦ, ଯାହାକୁ ଆଳ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁପ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଜଳସମ୍ପଦ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ। ଅର୍ଗସ ସହ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଜରୁରୀ, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ମାମଲା ଚାଲିଥିଲେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ଭବ, ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଜରୁରୀ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଲେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶେଶ୍ୱର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କଥାଟା ଆସିଗଲାଣି, ଚୂରାରେ ଏବେ ନ କରିକିରି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ଯଦି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। କେସ୍ ଚାଲିଥିଲେ ବି ଯଦି ଉଭୟ ଆମେ ବସିକିରି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଏ ନା ଆମେ କେସ୍ଟାକୁ ୱିଡ୍ର କରିଦେବା, ମୁଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ତ ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି କମ୍ସେ କମ୍ ଧର ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁଁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତରଫରୁ ତ କେହି ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ଯେ କ'ଣ କରିବା, ତାପରେ ଫେର ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ଛତିଶଗଡ଼ ସେ କହିବା ଦେଖ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜି ହେଲାଣି ଆଉ ତୁମେ ଦେଖ ବସିକି ନିଶ, କାରଣ ତାଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଏବେ, ସେମାନେ ବି ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଡ୍ରୁ ତାକୁ ପରମିଶନ ଦେଉନି। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମହାନଦୀକୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିଲା ବିଜେଡି। ମହାନଦୀ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ନାଁରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ। ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ବୋହିଯାଉଥିବା ମହାନଦୀ ଜଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତଳମୁଣ୍ଡରେ 7ଟି ବ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ମହାନଦୀ କୂଳରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରୀନ୍ ମହାନଦୀ ମିଶନ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ, ଏମିତିକି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏବେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡିର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଡେରା ପକାଇଥିବା ବେଳେ ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ବନ୍ଦ। ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ବ୍ରଜରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ସେମାନେ ବ୍ରଜରାଜନଗରବାସୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାର ଉତ୍ତର ଦେଉ ଯେ ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା, ମହାନଦୀ ଆଉ ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ, ମହାନଦୀରେ ପାଣି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ହୋଇଗଲା। ଯଦି ନାହିଁ ହୋଇ ତାହେଲେ କାହିଁକିରି ଚୁପ୍ ଅଛେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର? 16ରୁ 2019 ତକ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା ପରେ ଆଜି ଚୁପ୍ କାହିଁକିରି ଅଛେ? ରାଜନୈତିକ ଇସ୍ୟୁ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନା ପାଣି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲଢ଼ୁଥିଲା, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ସେଇଠି ବସିଲେନି, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ଦୁଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ବସିଲେନି, ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସଫର କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଷୟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୀମା ଭିତରେ ବି ଆମେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜୋରଦାର ଭାବରେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଅଦାଲତକୁ ଯିଏ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଅଦାଲତର ବା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଯେଉଁ ନିୟମ ପରିସର ଭିତରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମହାମିଛ, ବଡ଼ ନଦୀରେ ପାଣି ନାହିଁ, ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛି ଅଧା ଓଡ଼ିଶା, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 22 ବର୍ଷ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବିଜେଡି କାହିଁକି ମହାନଦୀରେ ବ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବଡ଼ ନଦୀକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍? ମହାନଦୀର ତଳମୁଣ୍ଡରେ କେବେ ହେବ 7ଟି ବ୍ୟାରେଜ୍? ବ୍ରଜରାଜନଗର ଲଖନପୁର ସୁଖାସଡ଼ାରୁ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ର, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ, ଏ ସନ୍ଦେହ ଜଗଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଝଡ଼, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତ ନ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ବୀରବିକ୍ରମ ଯାଦବ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅସମ୍ମାନିତ ଗୁରୁଜୀ, ଅସୁରକ୍ଷିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ପୁରୀ ବିକାଶ କେ ନାମ ପର କାହାଁ ପହଞ୍ଚା ଦି ଯାଏଗି କି ଆପଣା ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କିଆ ତପସ୍ଥଳୀ ହୋତି ହେ ଉସକୋ ଭୋଗ କି ସ୍ଥଳୀ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କା କେନ୍ଦ୍ର ବନା ଦେନା ଶାସନତନ କା ବ୍ୟାମୋହ ହୋତା। ଏ ଚିନ୍ତା ଜଗଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର, ସନ୍ଦେହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ, ସେପଟେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତ ନ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିଛି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଜଗଦ୍ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ହେଉଛି ଧାର୍ମିକ ରାଜଧାନୀ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧର୍ମର କ୍ଷେତ୍ର, ଏହି ତପଭୂମିକୁ
ଭୋଗଭୂମି ନ କରାଯାଉ। ଏଠାରେ ଶାସନତନ୍ତ୍ର କେବେ ବି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହିଁ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୋର ମତ ବି ଲୋଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଆଗରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଆଇଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବେ। विकास को लेकर जो बात चल रही है, शिव मंदिर पर जो नव निर्माण का कार्य चल रहा है, जो मुझे जानकारी अब तक प्राप्त हुई। निज को असम्मान छाड़ी श्रीक्षेत्र सुरक्षा को नहीं भी जगतगुरु को चिंता। शंकराचार्य कहिसेंती आज जो विकास होउची तार प्रभाव श्रीमंदिर उपरे न पड़ू। ऐतिह्य विशारद कहिसारलेनी एबे जो काम चलीची तार प्रभाव श्रीमंदिर उपरे पड़िबो। बड़ देउळ चारिपटे एभली कोठा तयारी करान जाऊ जहाँ द्वारा श्रीमंदिर सौंदर्य लुचिज। धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में कई हस्तक्षेप करने अनुचित। जदि एभली काम हुए तेबे आतंकवादी पशिवार मध्य संभावना रही। भैया हुए कि आर्किटेक्ट जितने हैं उनका कहना है जो हो रहा है उससे मंदिर पर आघात अवश्य पड़ेगा, क्षतिग्रस्त मंदिर अवश्य होगा। अगर ऐसी बात है तो उचित काम हो रहा है। दूसरी बात है कि मंदिर के चारों ओर ऐसे भवन हो कि मंदिर की शोभा ही ढक जाए, वो भी उचित नहीं है। पूरी सांसद पिनाकी मिश्र संसद रे चार टॉयलेट थ्योरी और जीपीआर सर्वे परे काम ने बयान रो मिछ एबे दांडरे पड़ी हाटरे गड़ुची। बीजेपी राष्ट्र मुखपात्र संबित पात्र जीपीआर सर्वे रो मिछ को पदा को आनी थिले। साधारण जनता आईनजीवी जगन्नाथ प्रेमी एवं नेता मध्य सुंदरता नाँ श्रीमंदिर सुरक्षा प्रति विपद को विरोध करते। परजा बाबू कहले कि नाउ वी विल शिफ्ट द रिसेप्शन सेंटर फ्रॉम प्रोहिबिटरी जोन टू रेगुलेटेड जोन, तो से भूल मागिले। प्रोहिबिटरी जोन निषेधात्मक क्षेत्र में आपड़ रिसेप्शन सेंटर करुले, बड़ लोक मैंने एमती भूल मागंती से डायरेक्टली कौन कहे कान धरिकी उठा पठा तो करेनि, ओहो आम सिफ्ट करदे, यहाँ हूँ भूल। जनता भी तो बुझुचन सब ना। ये जो लुचा चोरा काम राति अधिया काम यार उद्देश्य कौन? मोर पुणी प्रश्न ये जीपीआर सर्वे होउची कोठी? प्रथम जीपीआर देबे एवं तापर इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तैयारी करेंगे, तापर जीपीआर स्टडी तैयारी करेंगे, तापर परमिशन मागिबे क्या ना एस आई डी जी की कारण सी कंपिटेंट अथॉरिटी, से परमिशन जदि देले तापर तुम खनन काम करथांतो। परिक्रमा प्रकल्प को नी राज्य सरकार को मिछ धरा पड़ा पर बढ़ला अड़ुआ। एबे जगतगुरु भी खोली राज्य सरकार को मुखा। पुरी रु आलोक आशुतोष को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। पूर्वतन सांसद शरत पटनायक कांधरे राज्य कांग्रेस दायित्व, नूतन भाव सभापति होती शरत पटनायक आउ एआईसीसी पक्षर तुम गुरु दायित्व मिलवा पर समस्त साथी शरत दिगहरा हो पड़ा राज्य कांग्रेस को शक्तिशाली करने शरत का आगे रही एकाधिक चैलेंज। समस्त कल्पना जल्पनार अवसान घटला। राज्य कांग्रेस नुआ मंगुआ हेले शरत पटनायक। पूर्वरु राज्य कांग्रेस दायित्व नहीं सारी वरिष्ठ नेता शरत पटनायक कांधरे पुणि थरे राज्य कांग्रेस भार दे दलर हाइकमाण सोनिया गांधी और राहुल गांधी। कांग्रेस नुआ सभापति नियुक्ति नहीं एआईसीसी पक्षर इस्ताहार मध्यम प्रकाश कर सेपटे नुआ कांग्रेस सभापति हेबा परे समस्त को नहीं आगक जिबे बोली कहिसेंती शरत पटनायक। 1990 मसीह रे आमे 10 जन एमएलए थिले एठी, सेतले जानकी बल्लभ पटनायक मध्य से थिले ओडिसार पीसीसी सभापति, मु एमपी थिली एवं युवक कांग्रेस सभापति मध्य थिली सेते बेले, आ लुलु बाबू थिले सेते छात्र कांग्रेस सभापति। सबु नेता को नहीं कि सांगरे जेतले सारा ओडिसा मूवमेंट करथिलु 95 रे पुनि तो गवर्नमेंट करि पारथिलु, ଏଇଟା କ'ଣଟା ହେଇଗଲା ଆଜି ଯେ ଆମେ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଛୁ? କିଛି ନୁହଁ, କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ରହିଛନ୍ତି, ଗାଁରୁ ରାଜଧାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏକ ହେବେ, ସମସ୍ତ ନେତା ଏକ ହେବେ, ବୈଶିଷ୍ଟ ନେତାମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହଯୋଗ ଭିକ୍ଷା କରି ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଲଢ଼େଇ ଯେଉଁ 24କୁ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି 24 ପାଇଁ ଆମେ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରିବୁ। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରିଛି ବୋଲି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ନୂଆ ସଭାପତି ବାଛନ୍ତି, ମୋ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ
राज्य कांग्रेस सभापति नियुक्ति परे नूतन सभापति ट्वीट रे अभिनंदन जणाई निरंजन पटनायक आउ मने पकाई निज समय रे करितबा काम को आउ तांको उपरे एते बड़ गुरुदायित्व देइतबा हेतु एआईसीसी को मध्य कृतज्ञता जणाई निरंजन। वर्तमान ओडिसा रे नूतन प्रेसिडेंट भावरे श्री शरद पटनायक को एआईसीसी निष्पत्ति करिसेंति। मु सेतिपई सोनिया जी को धन्यवाद जनाउची, राहुल गांधी को धन्यवाद जनाउची, वेणुगोपाल को धन्यवाद जनाउची, आमर डॉक्टर चेला कुमार को मध्य धन्यवाद जनाउची। मु गत किछि वर्ष होला कांग्रेस प्रेसिडेंट दायित्व नहीं एवं ये दायित्व नवा समय मिस्टर जगदीश टाइटलर, जितेंद्र सिंह, चेला कुमार, सोनिया जी, राहुल जी सब जपरी भाव दिग्दर्शन देते साय करते समर्थन करते मो तरफ मु बहुत बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञता से मानक सब जनाऊँ। नुआ सभापति शरद पटनायक रही चैलेंज ब्रजराज नगर उपनिर्वाचन रे निजर प्रार्थी को विजय करिबा दलर समस्त नेता को एकाठी करिनेबा पीसीसी और विधायक दल मध्य रही फाटो को जोड़ा दलर छामुआ संगठन को मजबूत करिबा दलर कर्मी मनोबल बढ़ावा ओडिशावासी विश्वास हर कांग्रेस को पुणि थे राज्य में मजबूत करिबा निजर नुआ टीम कर 2024 रणनीति प्रस्तुत करिबा। ब्रजराज नगर रवि नारायण साहू के साथ भुवनेश्वर स्वप्नांजलि महांती का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। टोकियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जय जयकार प्रधानमंत्री मोदी को जापान बिजनेस लीडर का भूरी भूरी प्रशंसा मोदी का संस्कारमूलक पदक्षेप बदल भारत छवि भारत में पुंजनिवेश जापान शिल्पपति आह्वान देते प्रधानमंत्री मोदी। टोकियो रे प्रधानमंत्री मोदी जय जयकार जापान बिजनेस लीडर का प्रधानमंत्री मोदी को भूरी भूरी प्रशंसा आत्मनिर्भरशीलतार थीम प्रेरणादायी मोदी संस्कारमूलक पदक्षेप बदल भारत छवि स्टार्टअप क्षेत्र में भारत आगधाड़ी रे भारत में निवेश वृद्धि पाई जापान शिल्पपति को प्रधानमंत्री आह्वान भारत जापान संस्कृति को जोड़ी प्रवासी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांकर दुई दिनिया जापान गस्तरे राजधानी टोकियो रे पहुंचिबा परे तांकर भव्य स्वागत करा जायछि चतुर्दश जापान भारत ओ क्वाड सम्मेलन रे जोग देबा पई प्रधानमंत्री मोदी जापान गस्त करिसेंति दुई दिनिया जापान गस्तर प्रथम दिन रे प्रधानमंत्री मोदी जापान रो उद्योग जगतर विशिष्ट व्यक्ति ओ जापान रो प्रमुख कंपनी गुडीकर सीईओ मानंकु भेटिथिले भारतरे व्यवसाय करिबार रास्ता को अधिक सुगम करिबा पई प्रधानमंत्री मोदी एनईसी रा मुख्य नोबुहरे एंडो ऑटोमोबाइल दिग्गज सुजुकी कंपनी रा सीईओ ओसुमो सुजुकी ओ आहुरी अनेक प्रमुख विश्वस्तरीय कंपनी रा मुख्य मानंक सहित आलोचना करिछंती प्रधानमंत्री को आत्मनिर्भरतार वार्ता अत्यंत प्रेरणादायी एवं प्रधानमंत्री मोदी को बलिष्ठ पदक्षेप जोगो भारत आज विश्व स्तर रे एक मॉडल लैंडस्केप रो मान्यता पाई पारिछि बोली जापान रो बिजनेस लीडर माने कहिछंती। द फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट माइलस्टोन दैट इन द ईयर ऑफ 70th एनिवर्सरी ऑफ इंडो जापानीज डिप्लोमेटिक रिलेशंस प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज टेकन द इनिशिएटिव टू विजिट जापान एंड इट वाज वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस टू मीट हिम ऑन दिस पर्टिकुलर ओकेजन। He says the reforms of Prime Minister Modi are indescribable in the sense that he is bringing reforms which are changing whole of India into very modern landscape and especially the self-reliance theme of Prime Minister Modi is being supported very strongly by Japanese companies. India is growing very quickly. A new startup every day. New unicorns coming very quickly. So India is very quickly becoming number 3 in the world
for new startup and unicorns, I think the India's future is bright. Prime Minister Modi is committed for the success of India, for supporting startup, for creating more unicorns, and making center of high tech in the world. जापान गस्तर प्रथम दिन रे इंडियन डायस्पोरा को संबोधन करिछंती प्रधानमंत्री। जापान और भारत मध्य वाणिज्यिक संपर्क सहित सांस्कृतिक ऐतिहर बहु पुरातन संपर्क रही संपर्क दुई देश मध्य आहरी अधिक सुदृढ़ करने दिगरे भारत सरकार सदा सर्वदा प्रयास कर संबोधन ने कहते प्रधानमंत्री। और आत्मनिर्भरता का ये हमारा संकल्प सिर्फ भारत के लिए है ऐसा नहीं है, ये एक स्टेबल ट्रस्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आज पूरी दुनिया को यह एहसास हो रहा है, दुनिया को आज ये भी दिख रहा है कि जिस स्केल पर भारत अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग उस पर जो जोर दे रहा है यह भी अभूतपूर्व है। सूचना योग्य प्रधानमंत्री आसंता काली हेबागु थिबा क्वाड बैठक रे जोग देबे, यहां सह प्राय 23 टी कार्यक्रम रे शामिल हेबे। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान रे प्रधानमंत्री का सह द्विपाक्षिक आलोचना करिवार मध्य कार्यक्रम रहिछि। तेबे प्रधानमंत्री का एही गस्त राजनैतिक एवं कूटनैतिक स्तर रे गुरुत्वपूर्ण बोली विवेचना करा जाउछि। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। व्यक्तिगत शत्रुतार चरम परिणति पुणि थरे देखबा को मिलिछि। पतागढ़ पार्सल बोमा एबे बलांगीर रो हिट एंड रन, दुई पुंकु मारिबार षडयंत्र, दुर्घटना नुहे हत्या पाई साघातिक षडयंत्र। टार्गेट रे थिले जणे किंतु गला आउ जणकर जीवन। बलांगीर हिट एंड रन, बलांगीर पार्सल बोमा, व्यक्तिगत आक्रोश रो चरम परिणति। पाटनागढ़ पार्सल बोमा एवं बलांगीर योजनाबद्ध हिट एंड रन, शुक्रवार रे प्लान, शनिवार रे अंजाम, दुई शनिवार रे दुई पंगु मारिबार षडयंत्र। खोलिला बलांगीर हिट एंड रन रो गुमर, दुर्घटना नुहे हत्यार सांघातिक षडयंत्र। जड़े थे टार्गेट रे गला आउ जणकर जीवन, समान जगह समान गाड़ी बार भी समान। खोलीगला बलांगीर आरकिओ छक दुर्घटनार गुमर, प्री प्लांड हत्या को आक्सीडेंटर रूप देवाई चेष्टा करथिला अभियुक्त चित्तरंजन महांती। टार्गेट रे थिले जणे, जीवन गला आउ जणकर। नजर पकाइबा पूरा घटना उपरे, बलांगीर चित्त महांती और राजेन्द्र नायक परिवार मध्यरे दीर्घ दिन धरी शत्रुता लागि रहिथिला। प्रमुख कारण थिला जागा, चित्त महांती योजना करथिले राजेन्द्रक पूरा परिवार को सफा करदेवाई। प्रथम टार्गेट थिले राजेन्द्रक बड़ पुओ बाबुला नायक। 14 तारीख शनिवार आरटीओ छकरे बाबुलांक उपरे मिनी ट्रक चढ़ाई देथिला जित। एबे से बरकट रे घरोई हॉस्पिटल चिकित्सा दिन। तापर शनिवार अर्थात 21 तारीख रे चित टार्गेट रे थिले राजेन्द्रक मझिया पुओ सोनु। सोनु को सांगरे थिले तांको फास्ट फूड दुकानर कुक श्रीकांत बाग। मिनी ट्रक चढ़ाई देला चित, चली गला श्रीकांत को जीवन। 3-4 मास है पार्सल दुश्मनी अच्छी जड़े कर सा जड़े कर सा दुश्मनी अच्छे बेला कि हफ्ते आगुरी गोटे एक्सीडेंट होता ताकर मालिक रु बड़ पुओ सीता एक्सीडेंट कर सी आम विकास रखाई है आईटा कि नहीं हफ्ते पर फेर गोटे एक्सीडेंट होती जे इन पुलिस मैंने जानलेन फिर भी किसी एक्शन नहीं नवा जे तक मेन दुश्मन अच्छे नहीं क्या ना हूँ चित महांती सर ताके सर दंड मिलवार कथा सर सर चित महांती के सर दंड मिलवार कथा आर हमको न्याय मिलु। गोटे एक्सीडेंट केस होता तापर फैमिली पर्सनस ताकु मर्डर फॉर्म रे एलिगेशन करुथिले तार प्राथमिक तदंत पर एटा जना पड़ुछि कि एक्सीडेंट इंटेंशनल थिला एंड ता भितरे आमे जने अक्यूज्ड को
डिटेन करुच्छे से इज वर्तमान अंडर ट्रीटमेंट सब्सिक्वेंटली से अरेस्ट हो एंड आमर फर्दर इन्वेस्टिगेशन ये केस रे चली मेन मोटिव ये क्राइम मझीरे लैंड डिस्प्यूट एंड प्रीवियस एनमिटी थिला समान स्टाइल समान षड्यंत्र एमती षड्यंत्र होता पटनागढ़ पार्सल बोमा घटन 2018 फेब्रुआरी 23 रे पटनागढ़ ब्लॉक छक बासिंदा अध्यापक रवींद्र साहू को घरे एक पार्सल पहुंचीला उक्त पार्सल को रवींद्र पु सौम्य शेखर खोलिया समय विस्फोरण होला विस्फोरण रे सौम्य शेखर तांको जेजेमा जेमामणि प्राण हर सौम्य स्त्री रीमा बर्ती जाते सुधा दीर्घ दिन पर्यंत चिकित्सा होते एक घटना रे मुख्य अभियुक्त पुंजीलाल को गिरफ्त करथिला पुलिस व्यक्तिगत आक्रोशर चरम परिणति थिला पटनागढ़ पार्सल बोमा विस्फोरण हेले 4 वर्ष पर भी मिललानि न्याय बलांगीर घटन सेया हेबो नाही तो जितो महांती को हेबो तो सजा पुलिस करि परिबो प्रमाण श्रीकांत को परिवार को मिलिबो न्याय बलांगीर तरुण साहू सहित बरगढ़ रु मनीष शर्मा रिपोर्ट अर्गस न्यूज।